नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मनोहर सौगात। खबर पंचकुला से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला को 11 परियोजनाओं का की सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम ने करोड़ों की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पंचकुला विकास के लिए नई रूपरेखा तैयार की गई है और पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया गया है, जो जिले के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो सीएम मनोहर लाल ने 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पंचकुला की तस्वीरें। पंचकुला को 11 परियोजनाओं की सौगात दी सीएम मनोहर लाल ने। पंचकुला में राज्य स्तरीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने सूक्ष्म सिंचाई के 7500 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और किसानों से संवाद भी किया। वहीं सीएम ने कहा कि ये सिर्फ सूक्ष्म सिंचाई की शुरुआत नहीं, बल्कि पानी की हर बूंद बचाने की शुरुआत है। पानी को बनाया नहीं जा सकता, पानी का प्रबंधन किया जा सकता है। आगे सीएम ने कहा कि कम इस्तेमाल करके पानी की उपयोगिता बढ़ानी होगी। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की और धान की बजाय दूसरी फसलों पर जोर दिया। सीएम ने आगे कहा कि 200 के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, ट्रीटमेंट पानी का अधिकतम उपयोग करना होगा। देखो, हर एक क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, आज का ये अवसर वास्तव में ही हमारे एक विशेष प्रकार की जो योजना एक दिशा किसान के लिए हमने पिछले समय से बनाई, उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होने जा रही है। आज हम सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है, वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन जिसका भी इनॉग्रेशन किया है, यही अपने आप में एक रास्ता है। 1 किलो चावल ये अगर खाया जाए तो 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अब एक व्यक्ति की सोच है, उस नाते से विचार आया कि धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए। तुमने उसमें से विचार करके कि धान को कैसे कम किया जाए, 2 वर्ष पहले योजना बनाई, 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत, कि मेरा जो पानी है वो केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी दे के जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई, 98,000 एकड़। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी समय हरियाणा में चल रहे हैं, और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो यह है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर, अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, एक बहुत चैलेंज है, इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए, इस प्रकार से इसको लेना पड़ेगा। जी ACS महोदय, कृपया मंच पर आए। और तो चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्वर्णजीत, ये जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है,
किस तरीके से और क्या उद्देश्य इसका है, कैसे जनता को इसका लाभ मिलेगा और कैसे जनता को जागरूक होने की जरूरत है इसको लेकर? देखिए मोनिका, जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, या यूं कहें कि बीते 8 वर्षों से जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, उसी दिन से लेकर जल को लेकर के केंद्र सरकार बहुत ज्यादा सतर्क और खास तौर पर फोकस्ड नजर आ रही है। घर घर जल घर घर नल का नारा भी इसी सरकार ने दिया और उसी के चलते जिस प्रकार से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पंचकूला में एक समारोह में उन्होंने ये बात कही कि देखिए 98,000 एकड़ जमीन जो है उसे धान की फसल जहां पर हुआ करती थी, पानी बचाने के लिए जल बचाने के लिए एक प्रयास किया गया और 98,000 एकड़ जमीन जो है उसे दूसरी फसलों पर कन्वर्ट किया गया। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आज जल हमारे लिए तो कल हम किसके लिए छोड़ करके जाएंगे, और यही कारण है कि और फसलों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, कि किसानों को खास तौर पर जागरूक किया जा रहा है कि वो सब्जियां दालें और भी, चाहे वो मूंग हो और भी फसलें हो, जहां पानी की लागत कम आए और उसे कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम जो है वो राज्य सरकार कर रही है। और यही कारण है इसमें सफल भी होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार और मनोहर लाल खास तौर पर, मैं कहूंगा मुख्यमंत्री, और खास तौर पर स्वयं माइक्रो तरीके से वो नजर बनाए रखते हैं कि कौन से जिले में जहां खास तौर पर धान की फसल की उपज जो है वो ज्यादा है, कहां गन्ने की फसल की उपज जो ज्यादा है उसका कैसे प्रमोट किया जा सकता है, कैसे किसानों को जागरूक किया जा सकता है, कैंप लगाए जाते हैं और लगातार कृषि से जुड़े वैज्ञानिक तक वहां पर भेजे जाते हैं ताकि और फसलों को प्रमोट किया जा सके। और यही कारण है कि आज इन परियोजनाओं को आज हरी झंडी देते हुए मनोहर लाल खट्टर ने इस बात को रखा। मोनिका बिल्कुल, और साथ ही साथ पंचकुला की जनता को भी कई सौगात आज दी है, 11 परियोजनाओं की सौगात आज दी गई है सीएम मनोहर लाल द्वारा। तो किस तरीके से कितनी उत्साहित पंचकुला की जनता भी, और ये जो 11 परियोजनाएं हैं इसको लेकर क्या कहेंगे मनोहर, सौगात जो है यहाँ पर पंचकुला की जनता को सीएम ने दी है आज? देखिये मोनिका, 5540.23 लाख रुपए की परियोजनाएं जो है आज उन्हें कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल जो है, हरी झंडी जो है आज मनोहर लाल खट्टर ने दी है। और खास तौर पर देखिये पंचकुला एक ऐसा शहर है जहां से बिल्कुल आगे हिमाचल की वादियां जो है वो शुरू होती हैं, और कुछ ऐसे पंचकुला जिला में या यूं कहें पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कस्बे भी हैं जहां पर पर्यटकों का आना बहुत ज्यादा रहता है, जिस प्रकार से मोरनी हिल्स है और टिक्कर ताल है, ऐसे कई आसपास के कस्बे हैं। तो वहां की सड़कों की मरम्मत और साथ ही उनका उनका रख रखाव और साथ ही उनकी चौड़ाई जो है बढ़ाने की बात जो है इन परियोजनाओं में की गई है। और यही कारण है मुख्यमंत्री ने इस बात को भी रखा कि आने वाले समय में पंचकूला जो है और ज्यादा विकसित होता नजर आएगा, और इसी के चलते इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई मोनिका। और देखिए पंचकूला अपने आप में चंडीगढ़ को टक्कर देता हुआ दिखाई देता है, उसी तर्ज पर पंचकूला का गठन किया गया, और साथ ही उसके आसपास के जितने भी कस्बे गांव और छोटे शहर लगते हैं जहां पर लोगों की आवाजाही बहुत है। और खास तौर पर एक और बात बताना चाहूंगा कि इमारतें बड़ी बड़ी जो है पंचकूला के बाहर भी बहुत सी कॉलोनियां जो है वो विकसित होती चली जा रही हैं, और यही कारण है कि सड़कों की मरम्मत और खास तौर पर सीवरेज और इन सब पर भी सरकार का ध्यान है और इन परियोजनाओं में उसकी छवि जो है वो साफ देखने को मिल रही है मोनिका। बिल्कुल, और खुद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में विकास को लेकर एक नई रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है, यानी कि पूरा जो प्लान है वो यहाँ पर पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है, और कुछ समय बाद हम देखेंगे पंचकुला में विकास होते हुए और तमाम चीजें जो है विकास कार्य, जिन चीजों की मांग जो है जनता करती आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, या फिर सड़क की अगर हम बात करते हैं, तो ये तमाम कार्य जो है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मोनिका, और ये खास तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो विधानसभा स्पीकर हैं और पंचकुला के विधायक भी हैं,
ज्ञानचंद गुप्ता वो भी वहां पर मौजूद थे। और पंचकूला में मैं ये कहूंगा कि खासा लगाव है मुख्यमंत्री का। और देखिए जो भी वायदे मैं बार बार हम यही देख रहे हैं कि इस समय जो राज्य सरकार है बहुत ज्यादा, चाहे वो बात ई व्हीकल्स की हो, चाहे वो स्टार्टअप की बात हो, चाहे पंचकूला में आज परियोजनाओं को हरी झंडी देना हो, अपने मैनिफेस्टो पर काम करती नजर आ रही है राज्य सरकार। जो जो वायदे चाहे वो विधायक ने किए थे अपने विधानसभा में, चाहे वो सरकार ने किए थे पंचकूला को लेकर के, उन सभी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। और यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में इन सभी परियोजनाओं को आज कहीं ना कहीं मोहर लग गई सरकार की, और बहुत जल्द ये पूर्ण होती हुई नजर आएंगी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे सड़कों का रखरखाव हो, और चाहे नई सड़कों का विकसित करना हो। मोनिका शुक्रिया आपका। स्वर्णजीत तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, अपडेट हम तक पहुंचाया, जानकारी दी, शुक्रिया आपका। चलिए आप खबर अंबाला से, अंबाला में रिश्तों का कत्ल हुआ है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉरन लौटेंगे।